हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यार वीडियो करते हैं कंटिन्यू। और हम लोग रात में यार निकले थे 6 बजे, और रात में फाइनली कहीं पर होटल पे जगह नहीं मिला, और रात में आके मतलब खाना वाना खा के और रात में गाड़ी लगा के होटल पे सो गए थे। तो फाइनली उठे हैं अभी और निकल रहे हैं। तो सुबह कभी वगैरह अच्छी है, तो चलो कहीं मिलते हैं चाय नाश्ते पे। तो फाइनली गाड़ी शुरू हो चुकी है हम लोग चाय पीने, और वह रही चाय की टपरी। और सुबह का टाइम है तो यार चाय तो ज़रूरी है, तो बस चाय पीते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं आगे। यार पीने के लिए पानी भी भर लेते हैं और चलते हैं, फिर चाय पी के मिलते हैं आपसे। तो फाइनली गाइस चाय साय पी के निकल चुके हैं, और बारिश पीछा नहीं छोड़ रही है, लगातार बारिश ही बारिश हो रहा है। आप जैसे कि देख सकते हो पूरी बारिश हो रही है, और बारिश में कोई भी कसर नहीं छूट रहा है इधर। यार तो यार बारिश में सफ़र अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, और थोड़ा ठंड भी लग रहा है हल्का हल्का, और निकल रहे हैं यार। तो यार इधर का घर, और चलो तो यार मिलते हैं आगे बीच में। तो गाइस फाइनली हम लोग घाट कर रहे हैं यार, और बारिश तो थम नहीं रही है क्योंकि बारिश कसम खा ली यार, यानी 24 घंटे बरसे की। तो बस धीरे धीरे हम लोग घाट पार कर रहे हैं यार, और देखते रहो यार मतलब नज़ारे और नेचर। तो गाइस सब फाइनली हम लोगों को देखो चढ़ना है घाट यानी ऊंचाई। तो आपको दिखाता हूँ हम लोगों को कहाँ पे जाना है। तो वो रहा फाइनली जो दिखता है इस साइड में, वहाँ पे जाना है। तो फिर चढ़ते हैं ऊपर। करने के लिए और चाय नाश्ता फिलहाल हो गया, और यार टायर की गिट्टी निकालनी थी फाइनली वो भी निकाल लिया, और सब निकाल उकाल के अब हो गए हैं रेडी। बस उस्ताद लोग अभी मतलब नाश्ते वाली दुकान पे ही हैं, अभी लोग गप्पे सप्पे मार रहे हैं। ये गप्पे सप्पे मार लें तब तक मतलब मैं भी अपना सब टायर वीर जो गिट्टी विट्टी है सब निकाल लेता हूँ, सब चेक कर लेता हूँ। तो फाइनली यार सब चेक कर लिया, हो गया कम्प्लीट। अभी हम लोग हैं घाट सेक्शन पे, अरे ऊंचाई पे रुके हुए हैं, अब देख सकते हो पीछे यार बारिश भी आ गई। चलो फटाफट अंदर चलते यार। तो गाइस यार आगे अंदर, और थोड़ा सा भीज भी गया। इधर की बारिश ऐसे है ना, बस यानी सेकेंडों में बारिश आती है और सेकेंडों में चली जाती है। तो यार मतलब बहुत मतलब वो लगता है यार, बेकार लगता है एकदम। यानी जब से मुंबई में घुसा हूँ ना, मुंबई गोवा, तब से यार भीगा सा हूँ, और पूरी यानी कपड़ा पूरा भीगा ही है। तो देख सकते हो यार बारिश तो यार ऐसी बारिश है, फटाफट बारिश आती है और फटाफट चली भी जाती है। और इतना बारिश होगी भी तो इतना तेज़ होगी ना यार, पूछो मत। ये देख सकते हो पानी जिस हिसाब से गिर रहा है। तो यार मैंने यहाँ पे एक नोटिस किया, मतलब वो देखा पेड़, अब जो कि उस पर गोल गोल से फरे हुए हैं, यानी फल लगा है यार, बदल हो जा रहा है। अभी आपको मैं एक फल दिखाता हूँ जो कि बहुत जैसे संतरे की जैसा दिख रहा है। तो फाइनली गाइस यार वो पेड़ मतलब यार आ ही नहीं रहा है वो फल, ये ब्लर कर दे रहा है कैमरा मेरा, अपने मन का हो गया है कैमरा, तो फाइनली अब आएगा।
तो देख सकते हो यार इतना मतलब सुंदर फल लगे हुए हैं। अब ये किस चीज़ का फल है पता नहीं, क्योंकि वो छोटे छोटे झाड़ के जैसे पेड़ हैं, और ये आम का पेड़ है, आम के पेड़ पे लगा हुआ है वो, देखो एक रेड सा दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे फल लगे हैं ऑरेंज कलर के, रेड ऑरेंज, रेड ऑरेंज रेड, तो देखने में अच्छा, काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर पता नहीं क्या चीज़ है। तो गाइस फिलहाल देखो बारिश भी हो गई शांत, तब देख रहे हो वही यार बात है, बारिश आती है और जाती है। तो चलो फिर मिलते हैं यार अपने सफ़र में। रुक चुके हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि अभी आगे कोई होटल मिलेगा या नहीं अभी पता नहीं। तो चलो फिर फिलहाल चलते हैं खाना खाते हैं, पता फिर निकलते हैं, नहीं तो यार बारिश तेज़ी से आ जाएगी, इसलिए फटक फटक चलते हैं यार होटल पे। चलो हो रहा सामने होटल, ये होटल शायद आपको याद होगा, नहीं याद है तो यार बताता हूँ। जब पिछली बार रात में यार आए थे, जब हम लोग गोवा आ रहे थे रात में, तो इसी होटल पे गाड़ी लगाए थे यहाँ से वहाँ तक, तो यहाँ पर चले आए। अब खाना खाते हैं, खाना खा के निकल देंगे। तेरे ये गाड़ी वो आगे, एक गाड़ी ये, एक गाड़ी ये, चार गाड़ी सब अपनी है, क्योंकि रास्ते में मिलते गए ना हर एक कंपनी के, तो सब यार दोस्त रहते हैं, मिलते रहते हैं सब एक साथ, निकलते हैं खाते हैं फिर आगे। हम लोग खाना खा चुके और अब जा रहे हैं गाड़ी पे, उसके बाद निकलेंगे पूना होते हुए। अभी देखो कंफ्यूज, मुंबई होते हुए जाएंगे नासिक या पूना होते हुए, अभी कंफर्म नहीं है, देखो आगे क्या होता है, या नासिक वहाँ तक कि पूना होते हुए जाएंगे नासिक। तो चलो फिर करते हैं सफ़र अपना कंटिन्यू। ये रही गाड़ियाँ हमारी। तो गाइस हम लोग पाली पार कर चुके हैं और घुस चुके हैं महाराष्ट्र में। तो फिर हम लोग इस टाइम रतलाम जिला में हैं। और गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार ऐसा वीडियो मैं ट्रक से रिलेटेड यानी बनाता रहता हूँ और डालता रहता हूँ। तो गाइस दो पार्ट में दो वीडियो आएंगी, क्योंकि यार जैसे कि अभी हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं ये भी ऊंचाई पे जाएगा, बहुत ऊंचाई पे, जो कि यानी वहाँ से व्यू यानी नीचे देखने में जिससे बुझाता है बस करो हम लोग आसमान में आ गए, यानी इतना सुंदर व्यू यार, वो वीडियो देखना मत भूलना, उस पर भी प्यार सपोर्ट बनाए रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।